उपमंडल ज्वाली के अधीन पलौड़ा गांव में एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम के अंतर्गत ECHS पॉलीक्लिनिक खोलने का रास्ता साफ हो गया है। गत दिवस हिमाचल सरकार की कैबिनेट की बैठक में ज्वाली में ECHS पॉलीक्लिनिक खोलने को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही ज्वाली व आसपास के सैनिकों व पूर्व सैनिकों को ज्वाली में ECHS पॉलीक्लिनिक व CST कंटीन की सुविधा मिलेगी। इससे पूर्व ज्वाली व आसपास के पूर्व सैनिकों को ECHS की सुविधा के लिए पठानकोट जाना पड़ता था। कुछ अर्सा पूर्व सैनिकों ने स्थानीय विधायक अर्जुन सिंह से उक्त मांग उठाई थी तथा उसके लिए 20 कनाल भूमि भी सरकार के नाम पंजीकृत की गई थी। उसके बाद विधायक अर्जुन सिंह ने यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया। परिणाम स्वरूप हिमाचल सरकार की कैबिनेट की बैठक में ECHS पॉलीक्लिनिक खोलने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसके चलते इलाके के पूर्व सैनिकों में खुशी की लहर है। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पलौड़ा में आज एक धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के मंडल संयोजक कैप्टन यशपाल सिंह सहित पूर्व सैनिकों द्वारा ECHS खोलने का जोरदार स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व स्थानीय विधायक अर्जुन सिंह का आभार प्रकट किया गया। इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो शाम को हमारे मंत्रिमंडल ने हमारे लिए ECHS कंटीन का जो 20 कनाल जमीन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नाम पर की है, उसके लिए हम विधायक अर्जुन ठाकुर का आभार व्यक्त करने के लिए हम जहां इकट्ठे हुए हैं कि इतनी बड़ी हमें सुगात दी है, जिसके लिए आज से 12-15 साल से हम कोशिश कर रहे थे, जिसको अमली जमा जो है जहाँ के हमारे लोकल विधायक ने जो है पूरा किया है, हम उनका आभार व्यक्त करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो अभी आप इसमें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? देखो, इसमें जो सुविधा जो अभी आजकल का जो सिस्टम है वो ECHS के साथ साथ में जो है जहाँ एक कंटीन खोलेगी और कंटीन के साथ में काफ़ी ऑफिस आएंगे, जिसमें जो है एक छत के नीचे हर किस्म की फैसिलिटी जो है मिलेगी। शॉपिंग कम्प्लेक्स, इवन जो है जो हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए वहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी खुलेगा और पूर्व सैनिकों के लिए जो बाहर से आते हैं उनके लिए रुकने के लिए भी जगह जहाँ पर उपलब्ध की जाएगी। और साथ में कोशिश करेंगे कि और भी इसके साथ में जो रिलेटेड आगे की जनरेशन है उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर जो है जहाँ पर उनको भी फायदा मिलेगा। यहाँ ज्वाली में ECHS की जमीन जो डिफेंस गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की है हिमाचल गवर्नमेंट ने, उसके लिए विधायक अर्जुन जी का, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का आभार व्यक्त करने के लिए और उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं।